सतनाम करता पुरख निरपहु निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सकंगुर प्रसाद जप आद सच जोगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच बेस मार अथाह अगंत अतुल यो बुलाव हो त्यों नानक दास बोले। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग गुरु स्वरूप गुरु खालसा जी आप सर्वत संगतां ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष रामपुर खेड़े वाले संत बाबा हरनाम सिंह जी पंथ दी महान हस्ती उन्हां दी सालाना बरसी नूं मुख रखदिआं होइआं जो इस पावन धरती ते महापुरशां ने एक महान तीर्थ बना दिता है उन्हां दे जोड़ मेले ते उन्हां दे अनन सेवक संत बाबा सेवा सिंह जी महापुरश ते उन्हां दे सदे पत्र ते बेअंत पहुंचे हुए महापुरश गुरु प्यारियां संगतां गुरु नानक दे सजे दरबार दे अंदर सुशोभित होकर के दसो पातशाहियां की आत्मक जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे पावन पवित्र दीदार कर रहे हो। गुरु नानक दियां बख्शियां होईयां रूहां उत्तम भक्तियां दे कोलों बड़े उत्तम विचार सरवण कर रहे हो। इस स्थान नूं भाई गुरदास जी ने जो कहा कि साध संगत स्थान जगमग नूर है। साध संगत दा टिकाणा जो है उस परमात्मा दा जगमगाउंदा नूर की प्रकाश है शब्द राहीं। जो शब्द दी व्याख्या हो रही है उस नूर दा परमात्मा दा प्रकाश ज्ञान दा हो रहा है। प्रकाश की गल भाई साहब दे चेते आउंदिया ही प्रकाश करन वालियां दो शक्तियां चेते आ गई। एक चंद्रमा है एक सूरज है उदा फिर प्रमाण देंदे ने कि प्रकाश चंद्रमा दा भी है प्रकाश सूरज दा भी है पर साध संगत दे स्थान ते जो गुरु नानक दे शब्द दा प्रकाश है उदा मुकाबला एक सूरज ने तो की करना है। लखां सूरज ते लखां चंद्रमा नहीं कर सकते। चंद्रमा दे विच ठंड है पर भाई गुरदास दे ख्यालां अनुसार गुरमत दी विचार जो है कि जितनी ठंड शब्द विच है सूरज दे विच प्रकाश है पर गर्मी है चंद्रमा दे विच ठंड है पर मुकम्मल अंधेरा दूर नहीं हुंदा। भाई साहब कहिंदे ने साध संगत अस्थान जगमग नूर है लख लख ससियर भान लखां ससियर चंद्रमा लखां भान किए सूरज लख लख ससियर भान किरण थारूर है कि साध संगत दे विच जो शब्द दा प्रकाश है उसने लखां चंद्रमा नूं मात पा दिता लखां सूरजां नूं मात पा दिता। जे सो चंदा उग है सूर चढ़ै हजार एते चानण हुंदिआं गुरबिन घोर अंधार। ये प्रकाश लैके प्रकाश नूं वंडण वाले ब्रह्म ज्ञानी महापुरश जिन्हां ने इस चानणे नूं वंडिआ दीवा वलै अंधेरा जाए उन्होंने जो ज्ञान का दीप अपने पहला हिरदे विच जगाया अंधियारे दीपक चही है एक वस्त अगोचर लही है क्योंकि हिरदे दे अंदर अंधेरा है
शब्द का दीप ज्ञान का इथी जगेगा। जेड़ा आप अंधकार विच बैठा है दूसरे नूं चानना नहीं दे सकता। जो आप अज्ञानी है गुरु सदाए अज्ञानी अंधा किस ओह मार्ग पाए किनू मार्गता देगा। जिन्होंने खुद चानना हासिल किया गुर का शब्द उजारो दीपा बिन सो अंधकार तेह मंदिर। संत बाबा हरनाम सिंह दे शरीर रूपी मंदिर विच बिन सो अंधकार तेह मंदिर रतन कोठड़ी खुली अनूबा। उन्हां दी उपमा तो रहत वो रतना दी कोठड़ी खुल गई मत विच रतन जवाहर माणक। जे एक गुर की सिख सुनी वो गुरु की सिख्या सुन के रतना दी कोठड़ी खुल गई चानना प्राप्त हो गया। फिर उन्होंने इस चानने नूं संसार दे विच वंडिया संसार दा अंधेरा दूर कीता। गुरु नानक दे बचन मन के नानक दास धूड़ मंगै तिस गुर सिख की जो आप जपै अवर है नाम जपावै। मैं बहुता समान नहीं लाउणा। मेरे सत्कार योग महापुरुष संत बाबा सेवा सिंह जी बाहर प्रदेशां दे विच भी बहुत प्यार और सत्कार मान देंदे आ। बहुत सारे थावां ते बाहर इकट्ठे होने आ। सकियां भरावां तो वध महापुरशां ने प्यार दित्ता है सत्कार योग। गुरु नानक दी अंश बंश गुरमत सिद्धांत प्रचारक संत समाज के प्रधान बेदी साहब संत बाबा सरजोत सिंह जी सत्कार योग महापुरश मालपुर वाले संत बाबा परमजीत सिंह जी सकत्र जनरल साड़ी संस्था दे ते होर संत बाबा बलवंत सिंह जी हरखो वाले बेअंत महापुरश बैठे। मैं एक गल कह के खिमा मंगदा ते जितने भी संत सेवी रूहां तुसी बैठे हो संसार दे अंदर एक गल प्रतख देख लो कि संसार दे अंदर जिथे परमात्मा की उस्तत हो रही है उथे संत की उस्तत क्यों हो रही है। इहदा थोड़ा जा विचारना। परमात्मा की उस्तत करन वाला जो है परमात्मा कदे किसी का उधार नहीं रखता अपने जो करजई रखता है। वो कहिंदा है संत नूं तू मेरी उपमा कर जितनी तू मेरी उपमा करेगा बदले हर तेरी उपमा करेगा। जे तू मेरा होए रहे सब जग तेरा होए। तू इकला मेरी उस्तत करेगा मैं सारे संसार तो तेरी उस्तत करा देंगा। एक संस्कृत की सुरती है उहदे च कहा सेवी तब्यो महाबिरखशा फल छाया समान वेता जदी द्रव तुम फलंग नास्ती छाया के नवारी अते। कहने जे बिरश दियां जड़ां च पानी पाओगे बिरश नूं पत्ते लगदे ने उहनां दी संघनी छा होएगी। बिरश नूं फुल लगदा उदों बाद फल आएगा। मनुख नूं दो चीजां मिलणगियां बिरश तों एक छाया एक फल। जदी दवा तूं फल नास्ती अगर तेरी गलती दे कारण जां तेरी पहुंच फल तक ना हो सकी तां कहिंदे छाया किहन वारी अते छाया ते कोई नहीं खुल सकेगा। महापुरुष एक महादृश है जिहदे कोल सत संतोख दे पत्ते ने जिहदे कोल शांति दी छां है जिहदे कोल ब्रह्म ज्ञान दा फल है। जे सेवक ब्रह्म ज्ञान तक नहीं पहुंच सकिया तां शांति दी छां तक खो नहीं ना सकेगा। आज शांति दी छां है जिहड़े मान रहे हो। गुरु कृपा करे मैं अपनी विचारां नूं इत्थे ही संकोच दा होया। महापुरुष बाबा सेवा सिंह जी दा समूह महापुरशां दा गुरसिखां दा धन्यवाद करदा जिन्होंने इस निमाणे दास नूं भी नवाजा है समां दे के भुलां चुकां दी खिमा करन जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।